हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने लगभग रिलेशन एंड फंक्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए एंड बी बी द सेट। ए और बी दो सेट हैं। आपको क्या दिखाना है? रिलेशन एफ सच दैट ए क्रॉस बी फ्रॉम बी क्रॉस ए, जहां पर ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए किस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो हम पहले मैपिंग के थ्रू इसको देखेंगे। देखिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। तो देखिए, एलिमेंट किस तरह से हमें लेने हैं और रिलेशन किस तरह का है, आपका फंक्शन किस तरह का है। एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू B क्रॉस A। तो इस तरह का आपके पास फंक्शन है। आपके पास सेट A में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? देखिए, A, B। तो देखिए, हम इस तरह के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, जैसे यहां पर हम ले लेंगे A और B। तो B में किस तरह का होगा? B A। ठीक है, अगर हम यहां पर लेते हैं A1, B1, तो यहां पर किस तरह के होंगे? B1 और A1। ठीक है, अगर यहाँ A2 और B2 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा B2 और A2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपकी डोमेन है। इसको हम कहते हैं कि ये डोमेन है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे ये आपकी कोडोमेन, या फिर इसको आप रेंज भी कह सकते हैं। तो ये रेंज भी आपकी हो सकती है और इसको आप कोडोमेन भी कहते हो, कोडोमेन। ठीक है, तो यहां पे देखिए रिलेशन किस तरह का बन रहा है। जब आपके पास ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, तो यहां पर रिलेशन क्या बना, कोडोमेन में किस तरह इसकी इमेज बन रही है, बी कॉमा ए। ए वन बी वन है तो बी वन ए वन, और ए टू बी टू है तो बी टू और ए टू। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए बात कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है। यदि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, वन वन, तो वन वन हमें फंक्शन प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपको दे रखा है, ये फंक्शन क्या है, पहले तो वन वन है। इसके बाद अगर ये वन वन होता है तो हमें ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये आपकी क्या है, इमेज, ये आपकी किसमें, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या बन रही है, कोडोमेन में एक इमेज बन रही है। ठीक है, और वो भी यूनिक इमेज बन पा रही है। तो यहां से हम सीधे लिख लेंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक। और अगर रेंज उसकी यूनिक है, यानी कि वो कैसा फंक्शन है, सो इट इज वन वन फंक्शन, सो इट इज वन वन फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपने पिक्चर में देख लिया है कि जो रेंज डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, कहाँ पर, कोडोमेन में। ठीक है, तो इसको मैं बिट्रफ कर रही हूँ। अब सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन वन वन तो हो गया है, लेकिन अब इस फंक्शन को हमें ऑन टू फंक्शन भी प्रूव करना है, तभी वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहां पर आप देखेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे,
ऑन टू फंक्शन के लिए आपको ये बताना है, दो चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक तो हम ये बताएं कि को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में हैं, उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, ठीक है, यानी कि डोमेन में उसकी कोई ना कोई प्री इमेज है। तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑन टू फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी ए की इमेज जो है ए और बी है, बी वन ए वन की ए वन बी वन है, ठीक है, इसी तरह से बी टू ए टू की ए टू बी टू है, तो ये इसकी प्री इमेज बन रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे कि को डोमेन रेंज जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए आपका को डोमेन क्या है, यहाँ के इस सेट को हम कहेंगे ये को डोमेन होता है, को डोमेन। तो को डोमेन क्या है, किस तरह के एलिमेंट्स हैं को डोमेन में, बी ए बी वन ए वन और इसी तरह से आप लिख सकते हैं बी टू ए टू एंड सो। तो ये क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज बन रही है वो किस तरह की बन रही है, वो भी आपकी क्या है, बी वन ए बी और ए की सेकेंड आपकी हो जाएगी बी वन ए वन, ठीक है, कॉमा है ये, और बी टू और ए टू। तो इस तरह का आपका क्या बन रहा है, रेंज बन रही है, यानी कि जो रेंज है वो किसके इक्वल आ गई है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो कोडोमेन के जब ये इक्वल आ जाता है तो इसको हम कहेंगे कोडोमेन। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज, लास्ट में आप लिखेंगे द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस तरह से, देखिए एन से एन तक डिफाइंड है, ठीक है, किस तरह से डिफाइंड है, एफ एन नेचर, एफ एन है एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ऑड नंबर। यदि एन क्या हो, ऑड नंबर हो, तो आपकी जो क्या है रेंज है वो क्या बनेगी, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, जहां पर एन क्या है, सारे नेचुरल नंबर की बात की गई है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए इफ एन इज इवन नंबर, और अगर एन आपका इवन नंबर है, तो जो आपकी रेंज है वो क्या हो रही है, एन अपॉन टू। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्या करना है कि ये फंक्शन आपको चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो हम मैप के, देखिए मैपिंग के थ्रू आपको बताएंगे कि ये फंक्शन किस तरह से, देखिए दो सेट हैं, यहां पर ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। अब आपको किस तरह से डिफाइन किया गया है, एन जो है जब आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो फंक्शन की जो इमेज बनेगी वो किस तरह की बनेगी। अब एन को अगर हम ऑड नंबर वन रखें, तो देखिए इसमें रखेंगे हम वन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू अपॉन टू, यानी कि वन, यानी जब हमने यहां पर x की वैल्यू को क्या रखा, वन रखा, तो इमेज कितनी बनी, एफ एक्स कितना आ गया आपका, वन, ठीक है, तो इसकी इमेज वन आ गई, ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे, जब हम n की वैल्यू को 2 रखेंगे, n इज इक्वल टू 2,
अब टू क्या है, ये ऑड नंबर है आपका, ठीक है, और टू क्या है आपका, इवन नंबर। तो टू आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो देखिए इवन नंबर के लिए क्या आएगा, एन अपॉन टू, यानी कि टू अपॉन टू, तो कट कर ये भी कितना आ गया, वन। तो सेकंड हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमने एन की वैल्यू को क्या रखा, टू रखा, तो आपकी इमेज क्या बन गई, इमेज अभी भी आपकी वन बन रही है, ठीक है। जब आप एन को थ्री रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड के में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एन को जब आप थ्री रखेंगे, तो थ्री आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, देखिए थ्री प्लस वन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा आपका फोर अपॉन टू, कट कर ये टू आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब आपने क्या किया है, यहाँ पर थ्री रखा है, तो आपका इमेज कितनी बन गई है, टू, ठीक है। एन को जब आप फोर रखेंगे, एक नंबर और रखेंगे, और फिर इसी से हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फोर आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए हम कौन सा लगाते हैं, एन अपॉन टू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है एन अपॉन टू लगाएंगे, तो एन कितना है, फोर है, और टू, तो कट के ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पर एन को फोर रख रहे हैं, तो तब भी आपकी इमेज कितनी बन पा रही है। अब हमें क्या चेक करना है कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है, अब हमने ये निकाल लिया है, इसके हमने ये निकाल लिया है, तो इसको हम रफ कर लेंगे। जब हमने एन की वैल्यू को, एक बार आप समझ लीजिए, एन की वैल्यू को वन रखा, क्योंकि वन ऑड नंबर था, तो हमने यहाँ से देखिए इसको सॉल्व किया, किसमें रखा, एन प्लस वन में अपॉन टू में रखा, तो आपका आंसर कितना आ गया है, वन, यानी कि ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। इसी तरह से टू रखने पर वन आया, थ्री रखने पर टू आया, और फोर रखने पर भी टू आया, तो इसको हम रफ कर लेंगे। अब हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए वन वन, वन वन फंक्शन, तो देखिए वन वन के लिए क्या होता है, तो यहां से हम पिक्चर में देखेंगे, वन वन के लिए क्या होनी चाहिए, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, कोडोमेन में उनकी कुछ ना कुछ यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहां से देखिए इमेज तो आ रही है, लेकिन वन की इमेज भी वन है और टू की इमेज भी वन है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन आपका वन वन ना होके मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट इमेज, या फिर आप इसको रेंज भी कह सकते हो, इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज यहां पर आपकी यूनिक नहीं आ रही है, सो द फंक्शन इज नॉट, सो द फंक्शन इज नॉट वन वन, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है। तो यहां से देखिए हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या देना है, हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो क्वेश्चन है, जो ये आपको फंक्शन दे रखा है, वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए अगर वो वन वन नहीं है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो यानी हमें यहाँ ऑन टू फंक्शन करने की, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो देखिए यहाँ पे वन आया, टू आया और थ्री आया, इस तरह से कई नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर देखिए ये वन टू ऑन टू हो भी जाता है, ठीक है, तो तभी भी ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज, द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, तो ये फंक्शन आपका क्योंकि वन वन नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे रखा है f such that r tends to r to be defined as f(x) = 3x,
चूज द करेक्ट आंसर. एफ इज वन वन ऑन टू, एफ इज मैनी वन ऑन टू, एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू. तो देखिए इस फंक्शन को हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम पिक्चर में फंक्शन किस तरह का है, रियल नंबर से रियल नंबर. ठीक है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है. ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है 3x. ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, देखिए जब हम x की वैल्यू को, x हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आपकी एफ एक्स आएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू को जब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे. रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जीरो भी रख सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर जीरो रखें या फिर वन भी रख सकते हैं. तो वन रखेंगे तो आपका ये जो है एफ एक्स कितना आ जाएगा, यानी कि रेंज कितनी आएगी, थ्री आएगी. ठीक है, एक्स को अगर आप टू रखेंगे तो रेंज आपकी कितनी आ जाएगी, सिक्स. इसी तरह से आप नेगेटिव नंबर भी रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आएगा. तो देखिए माइनस वन करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री. ठीक है, और यहाँ पर अगर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो देखिए फ्रैक्शन वाले नंबर भी होंगे, तो वन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री हम रखेंगे. चलिए यहाँ पर करते हैं इसको. तो एक्स की वैल्यू को जब हमने क्या रखा, वन अपॉन थ्री रखा, तो एफ एक्स आपका कितना आ जाएगा, वन अपॉन थ्री यानी कि वन आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे. अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम रखेंगे वन. ठीक है, तो रेंज कितनी आ गई, थ्री. ठीक है, जब हमने यहाँ टू रखा तो रेंज आपकी कितनी आ गई, सिक्स. ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस वन रखा तो यहाँ पर रेंज कितनी आ गई, माइनस थ्री. अगर वन अपॉन थ्री हम रख रहे हैं तो रेंज आपकी वन आ गई. ठीक है, तो देखिए वन वन फंक्शन के लिए क्या होगा, वन वन फंक्शन. तो वन वन क्या होगा, देखिए यहां पर आपकी, आप पिक्चर में देखिए डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कुछ ना कुछ इमेज बन रही है कोडोमेन में. ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक. For every domain, range is unique. अलग ही से यूनिक रेंज जो है सबको मिलती है, सारे एलिमेंट्स को. तो अगर रेंज आपकी यूनिक है तथा फंक्शन इज, फंक्शन आपकी क्या होगी, वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन. ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन हम देख लेंगे, ऑन टू फंक्शन किस तरह से होगा. तो सेकेंड आपका है ऑन टू फंक्शन. तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो यहां पे देखिए थ्री, सिक्स, माइनस थ्री और वन. तो हर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में उनकी देखिए कुछ ना कुछ क्या बन रही है, प्री इमेज बन रही है. तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या क्या है, थ्री, सिक्स. तो देखिए यहां पर क्योंकि, या तो आप इसको लिखिए कि थ्री सिक्स कुछ एलिमेंट के लिए, क्योंकि यहां पर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसके बजाय हम इसको और अच्छी तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको रियल नंबर आप डिफाइन कर सकते हो क्योंकि रियल नंबर का सेट है. ठीक है, और रेंज भी आपकी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है. ठीक है, रियल नंबर का सेट आ रहा है. तो यानी कि आपका जो रेंज है वो क्या है, कोडोमेन के इक्वल हो गया. रेंज आपका
कोडोमेन के इक्वल हो गया। और यहाँ से भी आप पिक्चर से देख पा रहे हैं कि हर कोडोमेन के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज बन रही है डोमेन में, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो फंक्शन एज ऑन टू। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एफ इज 11 एंड ऑन टू। तो देखिए फर्स्ट ही आपका आंसर होगा एफ क्या है, 11 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसको ऑप्शन को आपको चेंज करके यहाँ पे आपको बाइजेक्टिव भी दिया जा सकता है, तो आप इसको यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन भी लिख कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आप करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 2020 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था, रिलेशन आर इज अ सेट ए इज कॉल्ड इफ ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए टू एंड ए वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए वन एंड ए टू बिलोंग्स टू ए। देखिए आपके पास रियल नंबर का कोई सेट है, ठीक है, जहां पे आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको क्या दे रखा है, ए वन एंड ए टू belongs to R that implies A2 and A1 belongs to R। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने देखिए किस किस तरह के रिलेशन पढ़े हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है सिमेट्रिक। तो एक बार मैं इसको आपको रिकॉल करा देती हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और अगर रिलेशन इन तीनों को क्या कर ले, ये तीनों ही रिलेशन आ जाए, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी कि खुद ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, ए अगर ए बी अगर किसी रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो बी ए भी उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, यानी कि उसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए वन और ए टू बिलोंग्स कर रहा है आर को, और ए टू और ए वन बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर को, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन आपका है वो कैसा है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं, सेकंड फर्स्ट, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज दैट कि ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर belongs to relation R। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यही है, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें आपको एक एक नंबर के इस तरह के पूछे जा सकते हैं, और जब तीन नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। उसमें देखिए उसमें क्या आ जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय। देखिए आपको इस तरह से रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो सेट क्या है हमारा, सेट हमें गिवन है, तो हमें पहले प्रूफ क्या करना है, नॉट टू बी ट्रांजिटिव। तो हमें यहां से ट्रांजिटिव की बात करनी है, और कोई रिलेशन हमें नहीं देखना है। तो सेट हमारे पास क्या है, ए सेट हमें गिवन है 1, 2 और 3, ठीक है। और रिलेशन किस तरह का है, वन का टू के साथ रिलेशन है, ठीक है, और टू का वन के साथ रिलेशन है। और ये हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन जो है आपका क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहां से देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है,
ट्रांजिटिव आप इसको कह लीजिए, ट्रांजिटिविटी कह लीजिए, या ट्रांजिटिव रिलेशन आप इसको कह लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज तो ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू, ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो तब वो रिलेशन आपका क्या होगा, वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन में जो है, इस वाले रिलेशन में आपको रिलेशन के जो एलिमेंट्स वो क्या है, वन टू और टू वन। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, वन एंड टू बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड टू वन बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज। तो देखिए इसको हम कंपेरिजन करेंगे इस रिलेशन के साथ, तो वन और वन, क्योंकि यहाँ पर ए और सी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, दैट इम्प्लाइज वन एंड वन ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। बट इस रिलेशन में इस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हेंस प्रूव हम लिख लेंगे कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन बी इज द सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो 2020 में ये जो क्वेश्चन है आपको आया हुआ है। तो देखिए हमें क्या चेक करना है कि जो रिलेशन आपको गिवन है ये सिमेट्रिक और इसकी ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक रिलेशन हमें इसमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ। तो फर्स्ट आपका है सिमेट्रिक, तो रिलेशन किस तरह से आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप करेंगे इसका। तो रिलेशन आर आपका है ए कोमा बी सच दैट, सच दैट मीन्स कि ए और बी इस तरह से हैं, ए इज लेस देन बी। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है फर्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखिए ए बी को हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर वन, ठीक है आर, ठीक है, दैट इम्प्लाइज अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स इज लेस देन बी, ये हम लिख सकते हैं। बट अगर एक्स जो है लेस देन बी नहीं आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, क्योंकि हम दो रिलेशन किसको ले रहे हैं एलिमेंट्स, एक्स एंड वाई को, तो एक्स इज लेस देन वाई। यदि x y से लेस है तो इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होने चाहिए, y इज लेस देन x, इसका रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इससे लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x लेस हो गया तो y कैसे लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा, दैट इम्प्लाइज तो जो y, ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन x और y कब बिलोंग्स करेंगे, जब x छोटा होता है y से। अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है सिमेट्रिक के लिए y x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, बट इसके लिए आपके पास जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर वो भी होना चाहिए कि y इज लेस देन x, और हमने यहाँ पर देख लिया है कि x इज लेस देन y, यदि x लेस है y से तो वो y से y जो है उससे क्या होगा, y x से छोटा नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर बोल दी है, तो ये यहाँ पर अगर ये चीज नहीं है, ये कंडीशन आपके पास नहीं है, तो y और x इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, तो यानी कि जो ये आपका जो सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्यों, सिमेट्रिक होने के लिए अगर x और y बिलोंग्स कर रहे हैं R में और कंडीशन आपको है x इज लेस देन y, तो यहाँ पर इसको सिमेट्रिक होने के लिए ये भी रिलेशन R में होना चाहिए। y एंड x ऐसे लिखते थे हम कि a b belongs to relation R, तो symmetric होने के लिए that implies b a is also belongs to relation R, but यहाँ पर कुछ condition हमें दे रखी है कि a is less than b,
तो यहाँ जब हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी कि एक्स जो है वाई से छोटा है, लेकिन वो इस कंडीशन में थी, जब हम ये बात लिखेंगे तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इससे जब हम तुलना करेंगे तो इस तरह का रिलेशन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा कि वाई इज ऑल्सो लेस देन एक्स, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स अगर छोटा हो गया है तो वाई किस तरह से छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, यानी कि अगर ये इससे छोटा नहीं है तो ये रिलेशन भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, वाई एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब ये जो है हम इसे क्या लिखेंगे, इज नॉट सिमेट्रिक, फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, तो फंक्शन आपका सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ट्रांजिटिव इसको देखना है, इसकी ट्रांजिटिविटी को देखना है कि ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको रफ कर लेंगे, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते थे, पहले हम ए और बी वाली कंडीशन लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, अब हम जाएंगे इस रिलेशन पे, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स को मान लेंगे, तो देखिए एक्स वाई पे हम लेंगे एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड वाई एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, एक्स एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, इस बात को हमें अब प्रूफ करना है, तो इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, इसको मैं रफ कर लेती हूँ इसको आप, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें ये ट्रांजिटिव देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए अब हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर दैट इम्प्लाइज, तो रिलेशन क्या है, आपको कंडीशन क्या दे रखी, ए इज लेस देन बी, यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, सेकंड कंडीशन इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए, सेकंड कंडीशन क्या है, वाई क्या है, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, इसको कंपैरिजन कीजिए आप इससे, दैट इम्प्लाइज तो यहां से क्या होगा, देखिए आपके पास किस तरह का आएगा, तो वाई इज लेस देन जेड, इसको तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, एक्स एंड जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, तो वन और टू से हम क्या देखेंगे, एक्स एंड जेड also belongs to relation R, that implies x is less than z। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर लिया है, कि x y belongs to relation R and y z belongs to relation R, that implies x and z, तो ये बात हमने प्रूव कर ली है also relation R। ठीक है, तो hence the relation is transitive relation, तो ये relation आपका क्या है, hence the relation को मैं R से डिनोट कर रही हूँ, R is transitive, ये relation आपका transitive है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है वो सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बात कही थी, x इज लेस देन b y, बट दूसरे केस में हमें क्या देखना था, y इज लेस देन x, तो ये बात दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, बट ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 एंड बी आपको दे रखा है 4 5 6 7 एंड लेट एफ, जो अब एफ यानी आपका जो है फंक्शन है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी,
स्टेट वेदर एफ इज वन वन और नॉट। तो आपको ये देखना है कि जो ये आपको फंक्शन दे रखा है ये वन वन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे दो सेट ए टू बी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, दो सेट हमारे पास हैं। ठीक है, ए में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, वन टू एंड थ्री, और बी में कैसे एलिमेंट्स हैं, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो हमें रिलेशन जो दे रखा है, देखिए ए आपको गिवन है वन टू एंड थ्री, इसको आप लिख लेंगे, एंड बी सेट इज गिवन दैट फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ठीक है, और फंक्शन आपको गिवन है किस तरह का है, वन एंड फोर टू एंड फाइव एंड थ्री एंड सिक्स। तो ये आपको फंक्शन है। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है और ये राउंड ब्रेसेस ब्रैकेट है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे वन का फोर के साथ इमेज बन रही है, वन का फोर के साथ इमेज बन रही है, टू की फाइव के साथ इमेज बन रही है, और थ्री की सिक्स के साथ इमेज बन रही है। तो देखिए यहीं से आपको ये डोमेन है, डोमेन, और ये आपका है कोडोमेन। ठीक है, तो देखिए वन वन के लिए क्या होना चाहिए, हमें ये चेक करना है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये वन वन है या नहीं है। तो वन वन फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ इन डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यानी कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कम से कम एक क्या होनी चाहिए, वहां पर इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो यहाँ पे देखिए वन की इमेज फोर के साथ है, टू की इमेज फाइव के साथ है, और थ्री की इमेज सिक्स के साथ है, यानी कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये फंक्शन आपका वन वन है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज कोडोमेन में बन रही है। तो द फंक्शन इज, अब आप इसको वर्ड्स में लिख लेंगे, द फंक्शन इज वन वन, तो ये क्या होगा वन, तो इसको लिख लेंगे आप कि एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो आप इसको लिख ही लेंगे, इतनी बार आपने कर लिया है, तो इज वन वन। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कैसा है, वन वन। यदि आपको इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए दिया होता तो देखिए हमारी जो यहाँ पे पिक्चर मैपिंग कर रखी है, तो ऑन टू के लिए क्या होता है, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। देखिए फोर की प्री इमेज है, फाइव की है, सिक्स की है, लेकिन सेवन की यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है। तो आप या तो इसको सेवन की इसको लेके चल सकते हैं कि सेवन की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो जो ये आपको फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन में आपके कितने एलिमेंट्स आ गए, फोर फाइव एंड सिक्स, और रेंज आपकी बन जाएगी फोर फाइव और सिक्स। तो यहाँ पर ऑन टू तो हमें पूछा नहीं है, तो हमें यही प्रूव करना था कि द फंक्शन इज वन वन। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हो गया है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं की आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपने देख लिया है कि रिलेशन एंड फंक्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इसमें हमने देखा है कि रिलेशन और फंक्शन के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और बाइजेक्टिव पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मोस्टली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपको आना चाहिए। वन वन और ऑन टू पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।